चिटफंड से जुड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी पल्स और सहारा को धराशाही किया गया। उसके बाद बैड एक्ट 2019 लागू किया गया। संसद में चिटफंड पर नकेल कसने के लिए बड़े बड़े कानून बनाए गए और कहा गया कि अब कोई चिटफंड से नहीं लुटेगा। लेकिन दोस्तों, इन सबको धराशाही करने के बाद भी यहाँ पर चिटफंड का धंधा मंदा नहीं पड़ा। आज फिर हमारे पास एक अपडेट आई है। अपडेट अपने आप में बहुत कुछ कहती है। निवेशकों के करोड़ों रुपया डूब गए। चिटफंड में जयपुर से लेकर बंगलौर तक हजारों लोगों के लगाए गए थे रुपए। इंदौर के सर्राफा कारोबारी पर FIR। बड़ी अपडेट जो दोस्तों लेकर आए 21 जनवरी 2024 की है। ठगी का नया तरीका। रुपए डबल करने का लालच देकर करोड़ों रुपए का निवेश करने वाली चिटफंड कंपनी सिनी ट्रेड के कार्यकर्ता लापता हो गए। 14 जनवरी की रात 8 बजे सिनी ट्रेड के नाम पर अलग अलग राज्यों में बने व्हाट्सएप ऐप के मार्किंग मैसेज डालकर कंपनी के एक जिम्मेदार पदाधिकारी ने बताया कि वह परिवार सहित ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया है। रुपए मिलने की उम्मीद अब कोई न करे। यानी कि जिसने कंपनी खोली थी वह रातों रात चिटफंड से जमा किया रुपया लेकर लापता हो जाता है और फ़ोन करता है कि अब मैं विदेश में शिफ्ट हो गया हूँ, किसी को कोई पैसे करने की उम्मीद नहीं। पंकज पाल नाम के युवक का यह मैसेज पढ़कर निवेशकों के होश उड़ गए। पहले तो सहकर्मियों व सीनियर्स से संपर्क कर हकीकत जानने की कोशिश की गई। कुछ कंफर्म नहीं हुआ तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य US का नाराज आपके लिए लेकर आया हूँ चिटफंड से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, वो लेटेस्ट अपडेट क्या है। पंकज सीनियर ट्रेड से जुड़े इंदौर का पहला व्यक्ति था। उन्होंने अपनी जान पहचान वालों के सैकड़ों लोगों से बड़ा अमाउंट निवेश कराया था, लेकिन कंपनी बंद होने के बाद जवाब नहीं दे पा रहे थे, इसलिए विदेश शिफ्ट होने का निर्णय लिया। पंकज ने व्हाट्सएप ऐप के मैसेज पर बताया कि उनका सोने चांदी का बड़ा कारोबार था। मोबाइल चैटिंग से संपर्क में आई आलिया शर्मा नाम की एक व्यक्ति के कहने पर उन्होंने इस कंपनी से संपर्क में आए थे। अप्रैल 2023 में उनकी दोस्ती हुई थी। आलिया ने खुद ही को सिक्विया कैपिटल में HR बताया था। महीनों चैटिंग के बाद उसके कहने पर पहली बार 1000 इन्वेस्ट किया था। ऐसे होता था निवेशकों का मुनाफा। सीनियर ट्रेड में 1000 रुपये निवेश करने पर महीने भर में 1165 रुपये लौटाने का वादा किया जाता था। साथ ही तीन लोगों को जोड़ने पर 300 रुपये अलग से दिए जाने और उनके इन्वेस्टमेंट में 8% कमीशन दिया जाता था। आलिया के कहने पर पंकज ने माता पिता और पत्नी सहित 7 अकाउंट एक साथ खुलवाए थे। इसके बाद उन्होंने देश प्रदेश में अन्य इलाकों में भी लोगों से इन्वेस्ट कराया। पंकज को गड़बड़ी समझ में आई तो उसने सवाल उठाने शुरू कर दिया, जिसके बाद कंपनी 20 दिन में रुपए डबल करने का लालच देने लगी। साथ ही एक व्यक्ति को शामिल करने पर 300 रुपये और 13% कमीशन देने का ऑफर करने लगी। अलग अलग राज्यों में हजारों लोगों ने निवेश कराया गया। वीडियो कॉल पर झांसे में लेती थी लड़कियां। पंकज ने दावा किया कि कंपनी में 35 लड़कियां शामिल थी जो पूरे भारत में युवकों को टारगेट करती थी। कई युवकों ने व्हाट्सएप चैट शेयर की और लड़कियां इन्हें वीडियो कॉल कर झांसा देती थी, बाद में इन्वेस्ट कराने का दबाव बनाती थी। आपस में वीडियो फोटो की शेयर भी किए जाते थे। आलिया ने पंकज को मुंबई लोकेशन पर वीडियो भेजे थे, बाद में सब फर्जी निकले। तो दोस्तों, यहाँ पर ये गड़बड़ घोटाले जो इस वक्त हमारे भारतवर्ष में चल रहे हैं और उन पर अभी तक कोई नकेल नहीं कसी गई। जितने भी कानून संसद में पारित किए गए उनको सबको यहाँ पर धत्ता देते हुए ये चिटफंड के लुटेरे आगे निकल रहे हैं, लेकिन कानून इनको गिरफ्त में जब लेता है, जब कंपनियां उन गरीबों का पैसा लेकर विदेश में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं, तो दोस्तों जब जाकर पता चलता है कि यहां पर चिटफंड का धंधा चल रहा था और चिटफंड के धंधे
मंदे नहीं पड़े, अभी अपने पूरे उठान पर है। जैसे कि आप जानते हैं उनके रूप बदल चुके हैं। अब ऑनलाइन द्वारा ठगी करने के नए नए तरीके यहाँ पर चिटफंड ने जोड़ रखे हैं। तो दोस्तों ये थी चिटफंड से जुड़ी आज की ताज़ा अपडेट। अपडेट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को